जगह कोई पता नहीं, इतना पता है कि जो थे वो तड़प रहे थे, वो तड़प रहे थे हर सूरत से बिस्मे नूर सब चाहे के मंदूत और राही से पड़ने लगा। मोहम्मद शमे महफिल बूद सुभान अल्लाह, खुदा खुद खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर जानता। मैं थोड़ी सी निशानदेही कर देता हूँ, खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर दामका खुसरो मोहम्मद शमे महफिल बूद सब जाए सुभान अल्लाह। इतना पता है, इतना पता है कि खुदा सदरे महफिल था और शमे महफिल मुस्तफा थे, बाकी ना पूछो क्या, बाकी ना पूछो क्या। जानते हैं उसके लिए लफ्ज ही नहीं है, ये कौन लोग हैं जो इस जिस्म से गुजर जाते हैं, जो जमीन से गुजरते हैं, जो मकीन मकान से गुजरते हैं, जो मकीन से बेराबता होते हैं और जो जमीन से गुजरते हैं, जो जमा से गुजरते हैं, जो अर्शे उला से गुजरते हैं, जो कौनैन से गुजरते हैं, जो नासूत से गुजरते हैं, जो दाहूत में जाके कमरा डालते हैं और वहीं एक ही आवाज होती है इल्लल्लाह, तो फरमाया ये हूँ मैं, वो है तू, अब आंखें खोल दे। ये याद रखो जब इंतहा पर पहुंच जाए ना आदमी तो जिक्र बंद हो जाए, जिक्र नहीं है। एक वक्त ऐसा आता है कि जाकिर जिक्र कर नहीं सकता, जाकिर जिक्र करना भी चाहे नहीं कर सकता, उसूल ही नहीं कि जाकिर जिक्र करे, बंद हो जाता है जिक्र। मैं इसकी मिसाल दूं, मैं इसकी मिसाल दूं, मसलन मैं दूर से आया, मैं जाता हूँ साहबजादा मिसबाल मालिक साहब से मिलने जाता हूँ, पीर रहमान साहब से मिलने जा रहा हूँ, कोई तो कहाँ रहते हैं, कहाँ होते हैं, कैसा मकान है उनका, उनकी बातें सुनना सुनाना सुनना सुनाना, और जब अंदर जाऊँ दरवाजा खुले और आगे से ये आ जाए तो फिर भी पूछे क्योंकि मौलाना अब्दुल रहमान कहाँ, वो जो सूफी है पक्का खूबसूरत था कहाँ है वो, और वो मेरे सामने खड़ा हो तो कौन फिर ये बातें करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, पढ़ते चीरते जाओ, दोनों मकान से गुजरते जाओ, नासूत को फोन करे रोकते जाओ, लाहूत की वादियों में जाके एक गूंज आए ला इलाहा इल्लल्लाह, बात को तय कर आया हूँ, छोड़ा कोई नहीं, तो अब आवाज जब पर्दा उठता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह खत्म, फिर नजर काम करती है, मुहिब तालिब और मतलूब, मुहिब और महबूब, और बंदा और बंदा निवाल, जब पर्दा उठता है और वो अपने जलवों में उसको सुला दे, जलवों में मिला के सुला देता है, और थका हुआ हारा हुआ जब लौट के वापस आता है तो कायनात का रब नमाज़, फिर आके सुनाता है लोगों मुझसे हमदर्द कौन होगा, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि ज़रिया वसल क्या है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, आप तो पढ़ने के ना, मैं वैसे कह रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, वो बार बार बोलते हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, और अगर वो लोग पढ़ते इनके ख्याल कायम बाय होते, लेकिन वो आदमी जो हकीम होता है जब ये आवाज सुनता है ना ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरात मैंने सुना है कि ये मंदिर के करीब एक जगह है, वहाँ एक आशिक के साथ रहते थे, वफात हो गई उनकी, मजार है बड़ा जबरदस्त, कलंदर थे तो जानते हैं, उनके जनाजा भी पीर मेरे लिए शाह साहब जी, अरे फजल शाह क्या मुकम्मल फजल था, मोहब्बत फजल, तो वो आशिक थे ना, तो रबाब के करीब कोई चूहा गुजरा तो तारों पर से गुजर गया बेचारा, चूहा तो तारों से जब आवाज आई तो आप तरफ गिरा, अब चूहा क्या जाने, वो तार से जो आवाज आती है उसका क्या तंग है चूहे का, लेकिन जो तार की आवाज से
سرکار کی آواز سے اسرار کے پردے چیرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اس کو جب یہ آواز آئی تو روح مچل اٹھی. تو یہ ہے لا الہ الا اللہ. عام جو پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں, خیال کہیں ہوتے ہیں, اور جو ایک دفعہ اس بارگاہ سے ہو کے آتے ہیں, جب جانا چاہتے ہیں نا, مثال میں ایک مثال دوں آپ کو, آپ میں سے آگے تیار ہو جائیں, آپ سب اللہ سب کو نصیب کرے. آمین. ایسے ہی نصیب, ویسے ہی آپ نے آمین کہہ دیا, پتہ نہیں کیا کہنے لگا. اللہ نصیب کرے, آپ کوئی نہیں بولے میں چمکی رکھ, آپ سب کو ٹکٹ مل جائے, سفر خرچہ مل جائے. ارے تو بھی سستا نہیں, آمین. ٹکٹ مل گیا, سفر خرچہ مل گیا, جہاز کی سیٹ بک ہو گئی, تو گھر بیٹھنے کا کیا سوچو گے؟ وہ مدینہ شریف کا ٹکٹ مل گیا, وہ مکہ مکرمہ کا ٹکٹ مل گیا, ٹکٹ ہاتھ میں آ گیا, احرام کندھے چڑھ گیا, شلوار اتری, تہ بند آ گیا, سر ننگا پاؤں ننگا, کپڑے اتر گئے, انسیلے کپڑے, 500 پاؤنڈ کا لباس گیا, 10 پاؤنڈ کی چیلنج گروتھ لپٹ گئی. مست کتنا ہے, خوش کتنا, ننگا سر, ننگے بدن, ننگے بدن نہیں, ننگے بدن, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ننگے بدن, ننگے پاؤں, ننگا سر, خوش کتنا, مسکراتا کتنا ہے, بھوک کی پرواہ نہیں, پیاس کی پرواہ نہیں, جہاز جتنی کرتا ہے جہاز چلے, اور جب اترا تو پھر ٹیکسی والوں سے ڈر پڑتا ہے, دیر ہو گئی ہے, گیا مستانہ واق طواف کر کے پھر بھی آرام نہیں ہے, پھر توڑتا ہے کہاں جا رہے, جہاں جا کے روح دل کی طہارت کی قبولیت کی مہر لگتی ہے وہاں جا رہا ہوں. تو آپ کو جب ٹکٹ ملا یہی تو خوش کتنے ہوتے ہیں, ابھی منزل پہ نہیں پہنچے لیکن خوشی کا آنند کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح جب آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, منزل نہیں ملی لیکن روح کو بلٹ آتا ہے, جدھر سے آئی ہوں آؤں ادھر جانے لگتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ,